योगी आदित्यनाथ इन दिनों यूपी की हर एक छोटी बड़ी चीज पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, खासकर राजधानी लखनऊ पर। इसके लिए सीएम योगी ने लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से एक रिपोर्ट तलब की है। इस रिपोर्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्मारक समिति के अधीन लखनऊ में बने अंबेडकर पार्क, इको पार्क, काशीराम स्मारक, रमाबाई अंबेडकर मैदान और शांति उपवन के मेंटेनेंस के काम के बारे में जानना चाहा है। इन पार्कों और स्मारकों पर मेंटेनेंस का काम कितना हुआ है और कैसा हुआ है? आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि सीएम खुद स्मारकों और पार्कों के रख रखाव की निगरानी कर रहे हैं और ये सब इसलिए क्योंकि यूपी में अगले महीने फरवरी में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन है। सीएम योगी चाहते हैं कि सौंदर्यीकरण का काम फरवरी में पूरा कर लिया जाए, हालांकि ये डेडलाइन मार्च तक की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने पिछले दिनों स्मारक समिति के अधिकारियों से रखरखाव के कार्यों की पूरी जानकारी मांगी थी। इस सूचना को अब सदस्य सचिव और एलडीए वीसी प्रभु एन सिंह के माध्यम से भेज दिया गया है। 18 करोड़ 42 लाख रुपए की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश काम फरवरी तक पूरे कर लिए जाएंगे। मूर्तियों और स्टोन से बने हाथियों की मरम्मत और पेंटिंग का काम विशेषज्ञता वाला होने की वजह से इनको मार्च के अंत तक पूरा करने की जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई है। अंबेडकर पार्क के बाहरी क्षेत्र में बने म्यूजिकल फाउंटेन को भी दोबारा शुरू किया जा रहा है। इसके लिए 25 लाख रुपए का खर्च बताया गया है। इमरान, अमर उजाला टीवी, लखनऊ।